हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समाजीकरण को। हेडिंग कर लीजिए आप, समाजीकरण, समाजीकरण या सोशलाइजेशन। ठीक, इससे प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं बाल विकास में। ठीक है, देखो समाजीकरण होता क्या है, सबसे पहले इसी को हम समझते हैं। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण अगर हम एक लाइन में इसको समझें तो किसी बच्चे के या किसी व्यक्ति के जैविक से सामाजिक बनने की जो प्रक्रिया है, सामाजिक बनने की जो प्रक्रिया है वही क्या है? वही है समाजीकरण। समाजीकरण किसी व्यक्ति के जैविक से सामाजिक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं। जैविक क्या होता है? देखिए, जब कोई भी बच्चा नवजात शिशु होता है, जब वो पैदा होता है तो वो जैविक होता है। आप उसको अगर इंडिया में रखते हैं तो वो इंडिया के कल्चर को, इंडिया की संस्कृति को अपनाएगा। अगर आप उसको यूएस में भेज देते हैं तो वो वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता, वहां की जो बोली है, वहां की जो भाषा है उसको अपनाएगा। आप वहीं पर देखिए, अगर कोई बच्चा उत्तर प्रदेश में जन्म लेता है तो वो मुख्य रूप से अवधी को बोलेगा या फिर भोजपुरी को बोल सकता है। वहीं पे अगर दक्षिणी भारत में जन्म लेता है तो वहां के कल्चर को वो सीखेगा, जानेगा। ठीक है, तो एक जैविक, आप देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक जैविक प्राणी होता है। उसको नहीं पता होता है कि जो है हमारी संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, हमें बोलना कैसे है, कैसे बर्ताव करना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे लोगों से मिलना है, कैसे बातें करनी है, कैसे लोगों का आदर करना है, लोगों से बात कैसे करना है, लोगों से मिलना कैसे, कुछ भी नहीं पता होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उसकी अवस्था बड़ी होती है, जैसे जैसे वो लोगों से मिलना, इंटरेक्ट करना शुरू करता है, वो क्या हो जाता है? वो सामाजिक हो जाता है। वो प्रक्रिया, और जो ये पूरी प्रक्रिया होती है, यानी वो सामाजिक हो जाता है, और ये जो पूरी प्रोसेस होती है, यानी जैविक से वो सामाजिक बनता है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? सामाजिकरण। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना कि जैविक से सामाजिक बनने की जो प्रक्रिया है वो सामाजिकरण कहलाती है। ठीक है, अब बात आती है मेन चीज कि समाजीकरण शुरू कहाँ से होता है। तो समाजीकरण जो है वो जन्मोपरांत शुरू हो जाता है, जन्म के उपरांत। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें कि समाजीकरण स्टार्ट सर्वाधिक कहाँ से होता है, तो ये स्टार्ट होता है पूर्व बाल्यावस्था से। पूर्व बाल्यावस्था पढ़ाया है मैंने इसको, कितना होता है? 2 से 7 वर्ष। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था, यहां से समाजीकरण स्टार्ट होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। देखो समाजीकरण एक तरह से हम ये भी कहते हैं कि व्यवहारों को सीखना समाजीकरण होता है। अपनी सभ्यता संस्कृति, मतलब किसी तरह से अगर जो व्यक्ति है या बच्चा है वो जब सामाजिक प्राणी बनता है तो वो जो है समाजीकरण की प्रक्रिया होती है उसमें। ठीक है, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक कथन है, ये लिख लेना कि समाज जो है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। काफी फेमस ये क्वोट है, काफी फेमस ये लाइन है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, संबंधों का जाल है। ये कथन किसने कहा है? मैकाइवर ने कहा है, मैकाइवर। ठीक, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब देखो, जो सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है ये कैसी होती है? ये गतिशील होती है, रुकती नहीं है, चलती रहती है। ठीक है, लिख लो यहां पे, सामाजिकरण की प्रक्रिया गतिशील होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया कैसी होती है? गतिशील होती है। गतिशील होती है, ठीक है। हाँ, एक चीज जो मैंने बताया है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म के
बाद यानी कुछ समय बाद से शुरू होती है ना। सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है, जन्म के कुछ समय बाद से शुरू होती है और कब तक चलती है, जन्म या मरणोपरांत तक चलती है। ठीक, तो सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म के कुछ समय बाद से शुरू होकर जन्म के कुछ समय बाद से शुरू होकर मरणोपरांत तक चलती है, ठीक, मरणोपरांत तक चलती है। ये हो गया। देखो एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा समझो कि जब कोई बच्चा या फिर कोई व्यक्ति, बच्चे को ही हम समझते हैं, कि जब कोई बच्चा सामाजिक बनता कैसे है, तो वो जब दूसरे लोगों से मिलता है, जब ही वो दूसरे लोगों से मिलेगा तभी तो वो जानेगा उसकी उस बातें जानेगा, लोगों के व्यवहार को जानेगा, भाषा को जानेगा, तभी वो जानेगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी वो दूसरों से इंटरेक्ट करेगा, अंतःक्रिया करेगा, तभी वो जान पाएगा कि क्या है समाज, एक्चुअल में क्या है जो मुझे सीखना है, जानना है, क्योंकि उसको तो कुछ पता ही नहीं होता है। लोगों से मिलना जुलना जब उसका होता है तभी वो सीखता है सामाजिक चीज़ों को, यानी सामाजिकरण उसका तभी होता है जब वो इंटरेक्ट करता है लोगों से। ठीक है, तो एक चीज़ ये लिखना है कि सामाजिकरण के तत्व क्या हैं, मुख्यतः सामाजिकरण के तत्व क्या हैं, इसको लिखना, सामाजिकरण के तत्व, यहाँ पे तत्व लिख लो। तीन तत्व मुख्यतः हैं। एक तो है कि जब ही लोगों से मिलना होगा, यानी अंतःक्रिया जब करेंगे तब सामाजिकरण होगा। सबसे पहला तत्व तो यही है, अंतःक्रिया। ठीक, दूसरा है भावनात्मक स्वीकृति, लिख लो फिर पढ़ाते हैं क्या है, भावनात्मक स्वीकृति। तीसरा है भाषा एवं संचार। देखो सबसे पहला है अंतःक्रिया। जाहिर सी बात है कि जब एक बच्चा लोगों से, अपने फैमिली मेंबर से या बाहर के लोगों से जब वो अंतःक्रिया करेगा तभी वो जान पाएगा, उसका सामाजिकरण तभी होगा। ठीक है, तो सबसे पहला मुख्य तत्व क्या है, अंतःक्रिया। दूसरा है भावनात्मक स्वीकृति। अब भावनात्मक स्वीकृति क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा दूसरे बच्चे से मिला तो उसकी बातें सुनेगा और उसमें से उसको जो कुछ लगेगा कि हाँ ये चीज़ें हैं ऐसी, तो उसको क्या करेगा, स्वीकार करेगा, है ना। उसके जो वो व्यवहार देखेगा, जैसे कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं ग्रुप में है, या फिर अपने घर की ही बात करें, परिवार की बात करें, तो बच्चा अगर अपनी फैमिली में किसी को कुछ करते देखता है, या जैसे किसी को पैसे देते हुए देखता है, तो वो भी अपनी मम्मी को कहीं से उसको पैसे मिलते हैं तो ला करके देता है कि मम्मी ये पैसे मेरे रख लो। तो ये चीज़ें क्या होती है, ये वो उसकी भावनात्मक स्वीकृति होती है, और किसी को करते हुए देखता है तो उसको कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसे करना चाहिए, तो वो वहाँ पे क्या होता है, वो वही होता है कि भावनात्मक स्वीकृति। तो ये भी एक सामाजिकरण का तत्व है, ठीक है, मुख्य तत्व। उसके बाद से आता है भाषा एवं संचार। अब भाषा एवं संचार मुख्य है, क्योंकि जब तक भाषा नहीं होगी तब तक हम अपने भाव विचारों का संचार कर ही नहीं सकते हैं। हमें हम किसी चीज़ को कुछ किसी को बताना हुआ तो किसकी ज़रूरत होगी, भाषा की। किसी जरिए से बताना हुआ तो संचार की ज़रूरत होगी। फ़ोन हम करके बता देते हैं, लेकिन बताते कैसे हैं, भाषा के द्वारा, और बोलते कैसे हैं, संचार के द्वारा। संचार से हमें पहुँच जाती है हमारी चीज़ें वहाँ तक, है ना, लेकिन भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं। तो तीसरा तत्व जो होगा वो होगा क्या, भाषा और संचार। ठीक है, ये तीन तत्व हैं, अंतःक्रिया, भावनात्मक स्वीकृति, भाषा एवं संचार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इन तत्वों के द्वारा जो सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है वो किन तरीकों से होती है, इसको समझते हैं। जैसे ये तीन तत्व जो मैंने बताए, हमारी जो अंतःक्रिया है, ठीक है, भावनात्मक स्वीकृति है, और भाषा एवं संचार है, तो इन तीनों को मिला करके हमारा जो सामाजिकरण होता है वो दो प्रक्रियाओं में होता है। सबसे पहली प्रक्रिया जो होती है वो, सबसे पहले लिखिए प्राथमिक प्रक्रिया, या हाँ प्राथमिक प्रक्रिया लिख लीजिए, प्राथमिक प्रक्रिया, और दूसरी है गौड़ प्रक्रिया।
गॉड प्रक्रिया या सेकेंडरी आप इसको कह सकते हैं. फर्स्ट ये है, फर्स्ट ये है सेकेंड. प्राथमिक प्रक्रिया और गॉड प्रक्रिया, इन दोनों में फर्क क्या है? देखो प्राथमिक प्रक्रिया क्या है कि जो प्राथमिक प्रक्रिया है यहाँ पर जब सोशलाइजेशन होता है, ये बेसिकली यहाँ पर आप थोड़ा सा लिख लीजिए इसको कि प्राथमिक प्रक्रिया में इसमें जो है हमें अपने परिवार के द्वारा या हमारे जैसे माँ बाप जो होते हैं तो वो हमें शुरुआत में जो चीज़ें हमें समाज के लिए सिखाई जाती हैं, जैसे हमें शुरू में ही सिखाया जाता है कि हमें बोलना कैसे है किसी से. किसी से जैसे हम बोलना शुरू करते हैं लेकिन किसी को तू तड़ाक करके बात करते हैं तो घर में तुरंत डांटा जाता है कि नहीं ऐसे नहीं बोलना है आपको, जो है आप अपने से कोई बड़ा है तो उसको आप लगा के बोलना है. तो ये हमारे कुछ जो बेसिक रीति रिवाज हमें अपने घरों में से सिखाए जाते हैं जो हमारे माँ बाप के द्वारा सिखाया जाता है. तो ये होता है सोशलाइजेशन या सामाजिकरण का पहली प्रक्रिया ये होती है, क्योंकि वो हमें घर से सिखाई जाती है, अपनी माँ से सिखाए सीखने को मिलती है, अपने पिताजी से सीखने को मिलती है, फैमिली मेंबर से सीखने को मिलती है. तो कुछ ऐसे रीति रिवाज जो हमें हमें घरों में बताए जाते हैं हमें परिवार के द्वारा सीखने को मिलता है. यहां पर आप थोड़ा सा लिख लेना कि ऐसे नियम या रीति रिवाज, ऐसे नियम या रीत रिवाज जो हमें हमें अपने परिवार से सीखने को मिलता है. ऐसे नियम या रीत रिवाज जो हमें हमारे परिवार से मिलते सीखने को मिलता है, हमें हमारे परिवार द्वारा, परिवार या आप माता पिता लिख सकते हैं, माता पिता के द्वारा बताया जाता है, बताया जाता है. ठीक, ऐसे नियम रीति रिवाज जो हमें हमारे परिवार माता पिता के द्वारा बताया जाता है, यही हमारे क्या होते हैं, प्राथमिक प्रक्रिया होती है किसकी, समाजीकरण की. ठीक है, ठीक उसका आ जाएगा गौण प्रक्रिया में. तो गौण प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया जहां पर हम बाहर से भी सीखने लगते हैं, जैसे हम किसी प्रतियोगिता में गए, वहाँ पर हम कुछ चीज़ें देखे सीखे तो वो क्या हो गया, वो गौड़ है. भले ही हमें वहाँ कोई कुछ सिखा नहीं रहा है लेकिन हम देख करके ही सीख रहे हैं. किसी के बात करने की शैली को हम देख रहे हैं, किसी के बोलने की शैली को देख रहे हैं, किसी का व्यवहार देख रहे हैं, तो वहाँ पर हमें कोई ये नहीं बता रहा है कि तुम्हारे ये रीत रिवाज है तुम ऐसे ऐसे करो, कि घर में हमें बताया जाता है कि हम ऐसे ऐसे करें शुरू में, तो वो हमारी प्राथमिक प्रक्रिया होगी. लेकिन हम बाहर जाते हैं, जैसे हम बाहर गए कहीं पे प्रतियोगिता हो रही है या कहीं हम खेलने गए हैं या कहीं स्कूल हम जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा जो सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है वो गौड़ प्रक्रिया होती है, सेकेंडरी होती है. ठीक है, जो पहली होती है वो हमारे परिवार में हमारे माता पिता के द्वारा हमें प्राप्त होती है, दूसरी जो होती है वो बाहर जाने पर, या फिर जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि प्रतियोगिता में प्रतियोगिता, उसके बाद से आप लिख सकते हैं प्रतियोगिता में भाग लेना, सहयोग करना. ठीक है, सगे संबंधियों से बोलना, तदात्मनीकरण करना, बोलना मिलना तदात्मनीकरण करना, तदात्मनी ठीक है. तो यहां भी क्या होगा, अब ये हमारी गौड़ प्रक्रिया होगी, यहां पर हमें सामाजिकरण की एक ऐसी प्रक्रिया होगी गौड़. प्राथमिक समझ में आ गया ना कि जो हमें रीति रिवाज हमारे परिवार से मिलेंगे और उसके बाद से फिर जो हम बाहर सीखेंगे, जैसे प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, सहयोग करते हैं किसी का, सगे संबंधियों से बोलते हैं मिलते हैं, तो इन सब चीज़ों से हमारा जो है सामाजिकरण होता है. कौन सा सामाजिकरण, सेकेंडरी वाला. ठीक है, गौड़ वाला. ठीक, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं हम समाजीकरण के अभिकरण के बारे में. मुख्य अभिकरण, इसको एजेंसी भी कहते हैं, अभिकरण या एजेंसी.
यानी जिनके द्वारा समाजीकरण होता है। अभी तक हम क्या पढ़े, तत्व पढ़े हैं, फिर हम प्रक्रिया पढ़े हैं कि समाजीकरण होता कैसे है, प्रक्रिया पढ़े हैं, लेकिन किनके द्वारा होता है वो पढ़ेंगे। तो वो क्या है, जिनके द्वारा होता है उन्हें क्या कहा जाता है, अभिकरण, या उसको कहते हैं एजेंसी, एजेंसी इंग्लिश में, अभिकरण हिंदी में। तो देखो बच्चा जो है जैसे जैसे लोगों के संपर्क में आता है ना, वैसे वैसे उसका समाजीकरण होता है। सबसे पहले वो संपर्क में किसके आता है, अपनी फैमिली के। तो प्राथमिक रूप से उसे समाजीकरण, उसका समाजीकरण हुआ कहाँ, उसकी फैमिली में। उसके बाद से फिर बच्चा बाहर निकलता है, लोगों से मिलता है, ग्रुप में खेलता है, आस पड़ोस के लोगों से मिलता है। लेकिन ये सब क्या हो जाए, सेकेंडरी हो जाएंगे। अगर बात करा जाए कि जहाँ आपको परिवार के सहित अगर पास पड़ोस जोड़ा जा रहा है तो वो फर्स्ट है, लेकिन सबसे पहले आपको परिवार देखना है कि परिवार जो है वो सबसे पहला अभिकरण होगा, एजेंसी होगा कि इसका समाजीकरण का। ठीक है, ऐसे सबसे पहला जो एजेंसी होगी वो क्या होगी, फैमिली होगी, परिवार होगा, फैमिली। ठीक है, दूसरा है पड़ोस, पड़ोस है, नेबर्स इसको कह सकते हैं। तीसरा जो है वो है स्कूल, ठीक, स्कूल हो गया। फिर हो गया हमारा मीडिया, उसके बाद जिस राज्य में हम रहते हैं ऐसे ही ये हो जाएगा राज्य, उसके बाद देश। तो ये सभी क्या है, वो हमारा क्या है, अभिकरण ही है। राज्य, जिस राज्य में हम रहते हैं उसका भी असर हमारे ऊपर दिखता है, वो भी एक एजेंसी के तरह कार्य करता है। ठीक है, हाँ, एक चीज ये कि अगर जहां पर पूछा जाएगा कि सबसे मुख्य जो है अभिकरण क्या है, एक बच्चे के लिए सबसे मुख्य अभिकरण क्या है, सबसे मुख्य एजेंसी क्या है, तो वहां पर परिवार होगा। अगर परिवार के साथ कोई जुड़ा हुआ आता है, जैसे परिवार और पास पड़ोस, तो उसमें हो जाएंगे, लेकिन परिवार को सबसे पहले आपको छांटना है कि मुख्य क्या है, परिवार है, उसके बाद से सारी चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें परिवार को ही लेकर के चलना है। ठीक है, ये हो गया अभिकरण या एजेंसी। आगे बढ़ते हैं, जिनके द्वारा समाजीकरण होता है उन्हीं को हम कहते हैं क्या, अभिकरण या एजेंसी। जिनके द्वारा, जिन लोगों से मिलने पे, सबसे पहले बच्चा मिलेगा कहाँ, अपने फैमिली में ही मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो वहां से उसका जो है स्टार्ट होगा समाजीकरण, और मुख्य वही अभिकरण होगा। ठीक है, उसके बाद आइए समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले। करने वाले कारक किन किन कारणों, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनसे समाजीकरण प्रभावित हो सकता है। तो सबसे पहला कारक जो है वो आपका पारिवारिक कारक होगा, पारिवारिक, पारिवारिक कारक, ऐसे हेडिंग करके लिख लो, फिर अभी हम इसको समझ लेंगे। उसके बाद दूसरा है सांस्कृतिक कारक, सांस्कृतिक कारक। तीसरा लिख लो राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता। चौथा है भाषा, वो सब इसी में आ जाएगा, इसको हम ऐसे ही समझ लेते हैं। देखो प्रभावित करने वाले कारक, समाजीकरण को प्रभावित कौन कौन से कारक करेंगे, जहां जहां से हमारा समाजीकरण होता है वही वही चीजें हमको प्रभावित भी करेंगी। ठीक है, क्योंकि हम समाज से जुड़े हुए हैं और हमारा समाजीकरण भी समाज में ही हो रहा है, तो हमें प्रभावित भी क्या करेगा, समाज करेगा। कारण उसके हो सकते हैं जैसे पारिवारिक कारण। अब मान के चलिए कि जिस एक ऐसी फैमिली है जहां पर नियमित रूप से झगड़े होते हैं, है ना, नियमित रूप से सुबह शाम झगड़े होते हैं, रोज झगड़े होते हैं, या आपके आस पड़ोस में ऐसा कोई घर है जहां पर रोज झगड़े होते हैं, तो वहां का जो समाजीकरण है उस घर में रहने वाले बच्चे का, वो प्रभावित होगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि वो जैसे चीजों को अपने चारों तरफ से देखेगा ना, वैसा ही उसका समाजीकरण होगा। अगर उसको अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाएगा, अच्छा अच्छा उसका वातावरण होगा, अच्छे लोग उसको मिलेंगे, तो हम कह सकते हैं कि उसका समाजीकरण अच्छा होगा। ठीक है, तो एक कारक ये हो सकता है फैमिली का, पारिवारिक कारक, कि पारिवारिक, यहाँ पर आप लिख लीजिए थोड़ा याद करने के लिए, कि पारिवारिक कलह है,
पारिवारिक कलह। अब पारिवारिक कलह वही कि झगड़ा लड़ाई अगर होता है तो बच्चे का क्या होगा, उसके सामाजिकरण उसका प्रभावित हो सकता है। दूसरा इसी में आ जाता है पारिवारिक कारक में ही आर्थिक कारण हो जाएगा। आर्थिक कारण, अगर कोई घर ऐसा है कि जहां पर आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो हो सकता है कि उस घर में जन्म लेने वाले बच्चे का जो है सामाजिकरण प्रभावित हो। ठीक है, उसके पास है हाँ अकेलापन भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि जो मनुष्य है वो कैसा प्राणी है, वो एक सामाजिक प्राणी है। जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति जैसे पहले के समय में था, जब हमारे जो पूर्वज थे वो आदिमानव थे, तो आदिमानव जब वो थे तो उनका क्या था कि वो समाज में नहीं रहते, उनको समाज का नहीं पता था, ग्रुप में नहीं रहते थे। कई बार उनको पता ही नहीं होता था कि हम शेर के पास जाएंगे तो शेर हमें ही खा लेगा, पता ही नहीं होता था। वो जाते थे, शेर खा लेता था, है ना। तो ये था, लेकिन फिर धीरे धीरे कैसे विकास हुआ और आज हम जो है इस तरह से रह रहे हैं, हमारी एक अपनी सभ्यता है। तो एक ये बड़ा कारण हो सकता है, अकेलापन जो है वो सामाजिकरण को प्रभावित करने में जो है अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है, तो अगर अकेलापन है तो भी समाजीकरण जो है वो प्रभावित हो सकता है, ये चीज है। ठीक, सांस्कृतिक कारक क्या क्या हो सकते हैं। अब सांस्कृतिक कारक में जाहिर सी बात है कि आपका जो हमारी जो भाषा है, जाति है, धर्म है, उस आधार पे, है ना, यहाँ पर लिख लीजिए भाषा, भाषा के आधार पर जाति धर्म, जाति या धर्म, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, ये भी एक कारक है। ठीक, हाँ, कुछ है, जो हमारी पूर्व धारणाएं होती हैं, वही पूर्वाग्रह जिसको कहते हैं, पक्षपात भी हो सकता है, वो लिंग में ही आ जाएगा, वो चीज लिखने की अलग से जरूरत नहीं है। ठीक, सांस्कृतिक कारक क्या होंगे कि जैसे सांस्कृतिक कारक ऐसे कारक होंगे जिनके द्वारा हमारा सामाजिकरण प्रभावित हो, जैसे कि हमारी भाषा, अब इसके द्वारा भी हमारा सामाजिकरण प्रभावित हो सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम यहाँ से अगर उत्तर प्रदेश से हैं या फिर दूसरे किसी स्टेट से हैं तो हमारा जो है हमारी जो भाषा होती है वो अलग होती है। ठीक है, तो जिस तरह से हम जिस जगह रहेंगे उस तरह से हमारी बोली, हमारी बोली का प्रभाव हम पर पड़ता है और उस तरह से भी सामाजिकरण जो है वो प्रभावित होता है। ठीक है, दूसरा है जाति। जाति के आधार पर अगर भेदभाव होता है या कई बार जातियों के आधार पर भी हम अपने समाज में देखते हैं, काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो उस आधार पर भी जाति या धर्म के आधार पर भी हमारा जो सामाजिकरण है वो प्रभावित हो सकता है। लिंग के आधार पर भी हो सकता है, एक ऐसा घर जहाँ पर बच्चियों को और लड़कों को और लड़कियों को बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता है, यहाँ जहाँ बच्चों को ज़्यादा आगे बढ़ाया जाता है, खास करके लड़कों को ज़्यादा आगे बढ़ाया जाता है, लड़कियों को पीछे रखा जाता है, तो वहाँ पर भी सामाजिकरण कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर लड़के को ज़्यादा आगे बढ़ाया जाता है तो उसका सामाजिकरण ज़्यादा अच्छे से होने की संभावना है कंपेयर टू जो लड़की को आगे नहीं बढ़ाया गया, तो उस आधार पर भी ये प्रभावित हो सकता है। ठीक है, पूर्व धारणाएं वही चीज़ें हैं कि जो धारणाएं पहले से बनाई हुई हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, लड़कों को ही पढ़ाना है, लड़कियां किचन में अच्छी लगती हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो पूर्व धारणाएं हैं, ये भी समाजीकरण को प्रभावित करने में अपना योगदान निभाती हैं। ठीक है, राष्ट्रीयता, जैसे जिस देश से हम हैं वहाँ का जो जैसा भी वातावरण है, जैसे संस्कृति है, उसका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो वो एक कारण है समाजीकरण को प्रभावित करने के कारक में। ठीक, हाँ, यहाँ एक सिद्धांत है, नाम याद रख लेना, H.C. कूले का, हाँ यहाँ लिख लो नोट करके, इसको कराएंगे फिर आगे, H.C. कूले का सिद्धांत है आत्मदर्पण सिद्धांत, आत्मदर्पण सिद्धांत, H.C. कूले का है ये सिद्धांत, और इसमें उन्होंने समाज को दर्पण बताया है। ठीक है, समाज को
दर्पण बताया है। लिख लेना इसको, फिर आगे हम करेंगे भी, लेकिन थोड़ा सा जानकारी के लिए लिख लो। एचसी कूले, इनका सिद्धांत क्या है? आत्मदर्पण का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने समाज को क्या बताया है? एक दर्पण बताया है। हाँ, सेल्फ मिरर भी इसको कहते हैं, आत्मदर्पण सिद्धांत, सेल्फ मिरर सिद्धांत या ऐसे। ठीक है, तो ये थे सामाजिकरण। अब यहाँ से जो मुख्य प्रश्न है वो आपके यहीं से इतने में बन जाते हैं। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।